शाम 6 बजे सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है और आपको बता दें कि डिजिटल माध्यम से लोगों से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रदेश के 7 जिले लॉकडाउन है। 31 मार्च तक प्रदेश के 7 जिलों में लॉकडाउन का जो आदेश है वो सरकार की ओर से दिया गया है। पूरे हरियाणा में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। शाम 6 बजे सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, डिजिटल माध्यम से जनता से रूबरू होंगे, लाइव वीडियो के जरिए, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मनोहर लाल जनता से मुखातिब होंगे। और जाहिर सी बात है कि हरियाणा सरकार भी कोरोना को लेकर लगातार सतर्क नजर आ रही है। प्रदेश सरकार की ओर से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, चाहे आइसोलेशन वार्ड बनवाने की बात हो या फिर तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाओं की बात हो, लगातार प्रदेश सरकार सतर्क नजर आ रही है, मुस्तैद नजर आ रही है। तो इसी के चलते कोरोना वायरस के मामलों को रोकने के लिए हरियाणा में आज से प्रदेश के 7 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। पूरे हरियाणा में धारा 144 लगा दी गई है और शाम 6 बजे भी इसी मार्फत सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हो सकता है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस से बचने के लिए जनता को और जागरूक करें, प्रशासन को और अधिक सतर्कता की बात कहें। इसी मार्फत ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राकेश जी, सीएम मनोहर लाल आज 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर डिजिटल माध्यम से वो जनता से मुखातिब होने वाले हैं, क्या ज्यादा जानकारी है ये? देखिए, बिल्कुल, आप जानते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जो है 2 दफे जो है इस लोगों को संबोधित कर चुके हैं और ये डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हैं, क्योंकि इस समय कट ऑफ मोड में है, क्वारंटाइन या सेल्फ क्वारंटाइन कह लीजिए या आइसोलेशन कह लीजिए, इस मोड में मुख्यमंत्री जो है चल रहे हैं। लेकिन आज भी उन्होंने कहा है कि वो डिजिटल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इससे पहले वे जनता के नाम संबोधन का जो मैसेज है आता रहा है। और आप जानते हैं कि आपदा की इस घड़ी में जो लोगों ने जिस तरह से जनता कर्फ्यू को फॉलो किया है और लोगों ने जिस तरह से खुद को आइसोलेट किया है, फिर आपने 5 बजे कल देखा भी कि किस तरह से ताली और थाली बजाई और स्वागत किया अपने उन समाज के उन लोगों का जिन्होंने इस सारे संकट में भी घर पर ना बैठकर काम करने का फैसला लिया, भले वो पुलिस हो या मेडिकल स्टाफ हो। इस सब को लेकर आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार लोगों का धीरज बंधाए हुए हैं और सूचना सूत्रों के माध्यम से भी मिल रही है कि हो सकता है और जिलों में भी जो है इसे जो लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं ये जो वायरस है ट्रैवलिंग से काम लोगों के संपर्क में आने से मिलता है, इसलिए आइसोलेशन पर जो है सरकार पूरा फोकस कर रही है कि लोगों की ट्रैवलिंग ना हो। और मैं ये भी बताऊं आपको कि जब ये चंडीगढ़ और पंचकुला में, क्योंकि हरियाणा और चंडीगढ़ की सीमा लगती है, उधर मोहाली और चंडीगढ़, पंजाब और चंडीगढ़ की सीमा लगती है, इन पर बकायदा नाके लगे हैं, आने जाने पर प्रतिबंध है, जाने वालों को पुलिस या मीडिया को जाने देती है, डॉक्टर्स को जाने देती है या फिर बैंक जो कर्मचारी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जो है सरकारी कार्यालय जो प्रदेश सरकार की जो आदेशों के अनुसार कौन से कार्यालय खुले हैं कौन से नहीं खुले, उन जिन जो कार्यालय खुले हैं कर्मचारियों को अलाउड है और सारे बिजनेस जो संस्थान है प्रतिष्ठान है सब बंद है, सिर्फ किराना केमिस्ट और ये दूध आदि की जो दुकानें हैं वही खुली हैं। तो ये पूरा जो है नजर आ रहा है और मुनादी भी जो है लगातार हो रही है कि लोग घर से बाहर ना निकलें।